आज दुनिया में सुविधाओं और तकनीक का बोलबाला है। हमने अचानक पर्यावरण को बदल दिया है और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए बढ़िया किस्म की जीनों को विकसित कर लिया है और दाव पर है हमारा स्वास्थ्य। हमने पैदल चलना बंद कर दिया है, अब हम उतने फल और सब्जियां भी नहीं खाते। ये बात तो साफ है कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। व्यायाम करके हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कहीं कुछ तो कमी है, लेकिन उपाय भी है। आजकल वैज्ञानिक भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्वों पर शोध कर रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या खोजा जा चुका है और क्या खोजा जा रहा है। हम एक बच्चे से रक्त की कुछ बूंदें लेंगे और उसके डीएनए का अध्ययन करके हम ये जान पाएंगे कि उसे किस तरह का पौष्टिक भोजन दें जो उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभकारी हो। इस विषय के विशेषज्ञों की राय सुनेंगे। चीनी परंपरा करीब 1000 वर्षों से शरीर को जंगल की तरह एक संतुलित प्रणाली मानती है, जिसमें तन मन और आत्मा का संतुलन है। दुनिया के उन दूर दराज हिस्सों में जाएंगे जहां शायद पोषण संबंधी कुछ रहस्य छिपे हैं और ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती के लाभ देखेंगे। शुरू से ही इंसान जैविक खेती के भरोसे रहा है। अतिरिक्त पोषण दिए जाने के फायदों को समझेंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि मल्टीविटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। अगले एक घंटे में हम हिपोक्रेटिस जैसे आरंभिक शोधकर्ताओं से लेकर आज के अति आधुनिक मानवीय जीनोम के अध्ययन तक के सफर पर नजर डालेंगे और देखेंगे किस तरह पृथ्वी और इंसान के बीच सहजीवी आदान प्रदान हुआ है हमारे इस कार्यक्रम क्वेस्ट फॉर न्यूट्रिशन में। पृथ्वी एक जीती जागती जैविक रचना, जिसकी उपजाऊ भूमि पर उगते हैं हमारे शरीर को जीवन देने वाले ढेरों पोषक तत्व। पौधों, मनुष्यों और पशुओं में एक अनोखा सामंजस्य है। पौधों में मिट्टी और सूरज की किरणों को लेकर पौष्टिक तत्व पैदा करने की अनोखी क्षमता है। इन तत्वों से पौधे जीवित रहते हैं और मनुष्य और पशु भी जीवन पाते हैं। इन पौधों को खाने पर मनुष्यों और पशुओं को ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जिन्हें वो अपने लिए खुद पैदा नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया आउटबैक के आदिवासी पिछले 40,000 सालों से प्राकृतिक धरोहर के भरोसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गलतियां करके सीखते हुए इन्होंने स्वस्थ जीवन के नुस्खे खोज निकाले हैं। हमारे लिए ये किसी सुपरमार्केट की तरह ही है। हालांकि ये एक साधारण जंगल है, लेकिन हम इसे पोषण के खजाने की तरह देखते हैं। यहाँ पर सभी तरह के प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं, जिस वजह से सब तरह के भोजन हमें उपलब्ध होते हैं। हमें मौसम की जानकारी है। साल में 4 मौसम आते हैं। कब क्या खाना है ये हमें मौसम बताते हैं, या चलने वाली हवा बताती है। आने वाली पीढ़ी भी बड़ी हो रही है और ऐसा ही कर रही है। बुजुर्ग उन्हें सब सिखा रहे हैं कि किस मौसम में क्या करना है। हमेशा से ही दुनिया के हर हिस्से में मनुष्य उपलब्ध भोजन के भरोसे जीवित रहा है। हालांकि अलग अलग इलाकों में समय के अनुसार उपलब्ध भोजन में भी काफी भिन्नता रही है। ये यहाँ झाड़ियों पर उगने वाला अंगूर है। आमतौर पर हम इन्हें इसी तरह तोड़ कर खाते हैं। इनका ये रंग अच्छा है ना? हमारे आदिवासी भाइयों को पोषण का ज्ञान बहुत कम है, लेकिन इन हजारों वर्षों के दौरान उन्होंने जान लिया है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं। और जब इंसान ने एक जगह बसकर भोजन पकाना शुरू किया, तब उसने जड़ों का प्रयोग शुरू किया। लेकिन तब तक इंसान हरी पत्तेदार सब्जियां खाना अच्छी तरह सीख चुका था। इस तरह उसके भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिनों और खनिजों की कोई कमी नहीं थी और मांस मछली से प्रोटीन मिल जाता। दुख की बात यह है कि आधुनिक युग की छाया इन आदिवासी जनसंख्याओं पर पड़ने लगी है। रहन सहन आधुनिक होने के साथ साथ खान पान भी पश्चिमी हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी शहरों में रहने लगे हैं और उनके भोजन में भी पोषण की कमी है। इस कमी के असर देखे जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर मैंने कहा कि क्या आप मेरे खून की जांच कर सकते हैं। एक नर्स ने मेरे खून की जांच की और बताया कि मुझे मधुमेह है। तो आज का खाद्य उद्योग हमें कुपोषित बनाने में काफी हद तक सफल हो रहा है।
और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन आदिवासियों ने भी अपने समाज में घुसपैठ करने वाले पश्चिमी भोजन को अपनाना शुरू कर दिया है और पोषण की कमी के दुष्प्रभाव इनके स्वास्थ्य पर नजर आने लगे हैं। आज जाकर विज्ञान ने ये समझना शुरू किया है कि प्रकृति से मिलने वाले आहार का भरपूर लाभ कैसे उठाया जाए। हालांकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई हजार साल लग गए, तब कहीं जाकर ये रहस्य घने जंगलों से निकलकर विज्ञान के हाथ आए हैं। पारंपरिक विज्ञान चाहे चीन का हो या आयुर्वेद, इनका आधार यही है कि स्वस्थ रहना भोजन पर निर्भर करता है। चीनी मान्यता है कि भोजन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। अगर आप सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन करें तो आपको पूरा पोषण मिलता है। मैं 2500 साल पहले के उस काल के बारे में सोच रहा हूँ जब यूनानी सभ्यता का उदय हो रहा था। इंसान के हाथों विज्ञान नामक हथियार आया और पहली बार धरती और मनुष्य के पारस्परिक आदान प्रदान पर चिंतन शुरू हुआ। भोजन इसका अहम हिस्सा था। हिपोक्रेटिस, जिन्हें हम आधुनिक चिकित्सा का पितामह कहते हैं, उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने पोषण को स्वास्थ्य से जोड़ा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिपोक्रेटिस बीमारी को किसी दैविक शक्ति का श्राप मानने वाली पारंपरिक धारणा के खिलाफ गए। उन्होंने इस तथ्य को समझा कि हमारे खानपान से हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तब भोजन पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हिपोक्रेटिस, जो कि एक महान चिकित्सक थे, अपने छात्रों से हमेशा कहते, ये सोचो कि अपने मरीज का इलाज दवा से पहले भोजन द्वारा कैसे कर सकते हो। धरती की प्राकृतिक उपज ही शुरुआती चिकित्सा की धुरी थी। और अगली 24 शताब्दियों तक भोजन और स्वास्थ्य के बीच संबंध स्थापित करना पश्चिमी विज्ञान के सामने एक बड़ी चुनौती रही। 18वीं शताब्दी के मध्य में जब पश्चिमी यूरोप के देशों से जहाज दुनिया भर की सैर किसी तलाश में करते थे, तब एक ऐतिहासिक खोज हुई जिसने पोषण से संबंधित धारणाओं को बदल दिया, जिससे पता चला कि महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि शरीर में क्या गया, बल्कि ये भी कि क्या नहीं गया। मनुष्य के भोजन का अध्ययन करने वाली प्रयोगशालाएं वो जहाज हुआ करते थे जो अंग्रेज नौसेना या पुर्तगाली नौसेना का प्रतिनिधित्व करते हुए सालों बाहर रहते थे। इन जहाजों पर मौजूद नाविकों को ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था। महीनों तक बाहर रहने वाले नाविकों के साथ रखी सब्जियां और फल जल्दी ही खत्म हो जाते थे। इन नाविकों को लगभग रोज वही चीजें खानी पड़ती थी। वे आमतौर पर मैदे का बना एक तरह का बिस्किट खाते थे और पूरक के रूप में वो कच्चा आहार भी खा लिया करते थे, लेकिन कुछ महीनों के सफर में ये सब खत्म हो जाता। इसका नतीजा होता महामारी। उस समय सबसे आम बीमारी थी स्कर्वी। इस दर्दनाक रक्त रोग ने उस काल में हजारों जाने ली थी। स्कर्वी रक्त रिसाव वाला रोग है। इसके कारण दांत गिरते हैं और रोगी के मसूड़ों और ऊतकों से खून रिसता है। जहाज पर और जहां ये जहाज पहुंचते उन बंदरगाहों पर मौजूद चिकित्सक इन मरीजों का इलाज करते। स्कॉटलैंड के चिकित्सक डॉक्टर जेम्स लिंड भी इन्हीं में से एक थे। उन्हें लगा कि स्कर्वी और ताजे भोजन की कमी के बीच कोई संबंध है। उन्होंने नाविकों से कुछ फल खाने को कहा। जिन मरीजों ने रोज 2 संतरे और 1 नींबू का सेवन किया, उनका रक्त रिसाव और बालों का गिरना बंद हो गया। आज हम इस बीमारी को स्कर्वी कहते हैं। इसके सभी लक्षण उन फलों के सेवन से गायब हो गए थे और आज 200 साल बाद हम समझ पाए हैं कि ये विटामिन सी की कमी का नतीजा था। स्कर्वी के इलाज में नींबू प्रयोग में लाए गए और डॉक्टर लिंड की इस खोज के बाद ब्रिटेन की संसद ने सभी नाविकों को रोज नींबू पानी पीने का आदेश दिया और तब से अंग्रेज नाविक लाइमीज कहलाते हैं। और जल्द ही शोधकर्ताओं ने भोजन के दूसरे घटकों की तरफ ध्यान दिया। सन 1840 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जस्टिस लीबिग ने बताया कि पौधे मिट्टी और हवा से पोषण लेते हैं। डॉक्टर जस्टिस लीबिग शायद पहले चिकित्सक थे जिन्होंने इस बात को समझा कि मिट्टी में ऐसे घटक मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं, और पौधे उनका उपभोग कर रहे हैं, जानवर उन्हें खा रहे हैं और इंसानों तक भी ये चीजें भोजन में शामिल सब्जियों
या गोश्त के जरिए पहुंच रही हैं। नीदरलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक क्रिस्टियन आइकमैन ने इन शुरुआती खोजों को अगले आयाम तक पहुंचाया। सन 1893 में जावा द्वीप में काम करते हुए आइकमैन ने बेरीबेरी नामक नसों को प्रभावित करने वाली बीमारी पर शोध किया। आइकमैन ने द्वीपवासियों के भोजन पर नजर डाली तो पाया कि वो मुख्यतः बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाते थे, लेकिन जब इन्होंने पॉलिश किया हुआ चावल खाना शुरू किया तो वे बीमार पड़ने लगे। लोगों ने खाद्य पदार्थों को विशेष प्रक्रियाओं से तैयार करना सीख लिया। वे चावल की ऊपरी परत को हटा देते थे और ये सफेद चावल लोकप्रिय भी होने लगे। बाद में समझ आया कि इस ऊपरी परत के हटने से उसमें पाए जाने वाले विटामिन बी भी हट गए। आइकमैन का मानना था कि सफेद चावल में नुकसानदायक पदार्थ हैं और ऊपरी परत में उसका इलाज। पिछले कई पोषण संबंधी सवालों की तरह आइकमैन को ये जवाब भी अनजाने में ही मिल गया था। और आइकमैन ने ये सुझाया कि अगर जावा वासियों के भोजन में बिना पॉलिश वाला चावल शामिल किया जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। ये किसी घटक की कमी से होने वाली बीमारी थी और ऐसे चावल से इस कमी को पूरा किया जा सकता था। अन्य सफल चिकित्सकों की तरह आइकमैन ने साबित किया कि भोजन में किए गए जरा से फेरबदल से एक गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन दूसरे शोधकर्ता आज भी अंधेरे में तीर मार रहे थे। वो नहीं जानते थे कि भोजन में भला ऐसा क्या है जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ये स्थिति सन 1911 तक रही, जब पोलैंड के वैज्ञानिक कैजिमियर फंक ने उस घटक का नामकरण किया। वो घटक था विटामिन, लेकिन सन 1912 तक विटामिन नाम का अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि इन पोषक तत्वों के प्रभावों की जानकारी लोगों को हजारों वर्षों से थी। आज हम जिसे बायोकेमिस्ट्री यानी जीव रसायन विज्ञान कहते हैं, ये वो विषय क्षेत्र है जिसकी कमी महसूस होती रही। इसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करने लगे कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का आणविक स्वरूप क्या है। 20वीं सदी तक भोजन और स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध को माना जाने लगा और जल्द ही आहार की अहमियत और कुछ बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता को पहचाना गया। पोषण विज्ञान में ये धारणा एक नए युग की सूचक थी। 20वीं सदी की शुरुआत से मध्य तक मानव शरीर की जरूरतों को लेकर विज्ञान अपनी एक पुख्ता राय बना चुका था। इसमें मूल पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी को मैक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिनों तथा खनिजों को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया। लेकिन जल्द ही भोजन के नए घटकों की खोज होने वाली थी। सन 1910 से 1947 के बीच विटामिनों पर काफी खोज हुई। हालांकि इसमें से ज्यादातर खोज 20 और 30 के दशक में हुई, जब वैज्ञानिकों के हाथ नई तकनीकें लगी जिनसे भोजन के महत्वपूर्ण घटक पहचाने गए। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एल्मोर वर्नन मैकलन और उनके साथ ही दूध देने वाले पशुओं के लिए उपयुक्त भोजन पर शोध कर रहे थे। इस प्रयोग में गायों को दूध पिलाया गया। इस प्रयोग के दौरान मैकलन और उनके दल ने एक महत्वपूर्ण घटक खोज निकाला और उसे नाम दिया विटामिन ए। उन्होंने इसे विटामिन ए नाम दिया क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। अपनी इस खोज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जानवरों के साथ काम करना जारी रखा। विटामिन खोज की अब बाढ़ आने वाली थी। उन्होंने पाया कि दूध के पानी वाले हिस्से में कुछ और महत्वपूर्ण घटक हैं। विटामिन ए वसा के साथ घुल जाता है, जिसे हम मलाई के साथ अलग कर देते हैं, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण घटक जो पानी के साथ घुल जाते हैं उन्हें विटामिन बी नाम दिया गया। शुरू में सोचा गया था कि विटामिन बी का सिर्फ एक प्रकार है, लेकिन धीरे धीरे कई तरह के विटामिनों का पता चला, जैसे B1, B2, B6 वगैरह। यहाँ विटामिन के बाद विटामिन खोजे जा रहे थे, वहीं आहार विशेषज्ञों ने भोजन के लाभकारी तत्वों पर ध्यान देना शुरू किया। पोषण का इतिहास और हमारे स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका के बदलते स्वरूपों का इतिहास सही मायनों में उन शोधकर्ताओं का इतिहास है जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा की सीमा रेखाओं को पार किया। ये तथ्य आज भी उतना ही सच है जितना 17वीं सदी में था। 20वीं सदी की शुरुआत में कार्ल रेमबोग नामक एक व्यक्ति चीन में अपना काम कर रहा था। अमरीकी व्यवसायी कार्ल रेनबोग ने महसूस किया कि चीन के ग्रामीण शहरवासियों से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त थे। उन्होंने देखा कि शहरवासियों के पास खेती की जगह की कमी है और उनके भोजन में सब्जियां उतनी नहीं हैं। उनका चावल भी पॉलिश किया हुआ होता था, वहीं ग्रामीणों के भोजन में प्राकृतिक वस्तुएं ज्यादा थीं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उपलब्ध पोषक तत्वों वाला घर में बना शोरबा तैयार किया। रेनबोग सोच रहे थे कि इस शोरबे की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है।
जवाब के तौर पर उन्होंने जानवरों के हड्डियों के अंदर के गुदे को और हरी सब्जियों को चुना। फिर उन्हें आयरन यानी लोह का ख्याल आया। एक समय पर उन्होंने जंग लगी कीलों के बारे में भी सोचा। हालांकि जरूरी ये नहीं है कि उन्होंने किन चीजों को चुना, जरूरी ये है कि उन्हें ये ख्याल तो आया कि उस शोरबे में वो सब होना चाहिए जिन्हें हम आज विटामिन और खनिज के नाम से जानते हैं। और फिर उन्होंने पाया कि जो लोग उनका बनाया ये शोरबा लेते उनका स्वास्थ्य अन्य लोगों से बेहतर होता। चीन के इस अनुभव ने रेनबोग को प्रेरित किया कि वे भोजन में अतिरिक्त पोषण के विषय पर और खोज करें। रेनबोग वापस अमेरिका लौटकर पोषण सुधार की खोज के लंबे सफर पर निकल पड़े और सफर के हर पड़ाव पर उन्हें यह एहसास होने लगा कि धरती में सारे जवाब छिपे हैं। ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती की तरफ हमारा ध्यान खींचने वाले शुरुआती लोगों में रेनबोग शामिल हैं। सभ्यताएं हमेशा से धरती के साथ एक सामंजस्य में रही हैं। बाहर जाते समय मैं सयाम फल तोड़ लेती हूँ और उसी वक्त उसका एक हिस्सा वापस जमीन में गाड़ देती हूँ। हम कभी भी पूरी जड़ नहीं तोड़ते, एक हिस्सा तोड़कर बाकी का हिस्सा वापस गाड़ देते हैं। आप शायद ही कभी किसी आदिवासी को जमीन से कुछ निकाल कर गड्ढा खुला छोड़ता देखेंगे। ये इसलिए जरूरी है ताकि दूसरी चीजों की बढ़त पर फर्क ना पड़े। प्रकृति में तालमेल बनाकर रखने की अनोखी क्षमता है। वह हर बार अपने आप को संतुलित कर लेती है। हर प्राकृतिक प्रणाली पौधों को उपभोग के बाद धरती पर ही छोड़ देती है ताकि उसके पोषक तत्वों का पुनः इस्तेमाल हो सके। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव लगातार पोषक तत्व छोड़ते रहते हैं। वो इन पोषक तत्वों का विघटन करके उन्हें पौधों तक पहुंचा देते हैं। कार्ल रेनबोग जानते थे कि पौधे मिट्टी की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ग्रहण करते हैं। इसलिए कीटाणुओं से रक्षा के लिए उन्होंने कीटनाशक नहीं बल्कि अन्य प्राकृतिक उपाय किए। जैविक खेती में कीट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लाभदायक कीटों की मदद ले सकते हैं, जैसे ये लेडीबग नामक कीट। ये खेत में जाकर अपना भोजन तलाशेंगे। इन्हें एफिड बहुत पसंद है, जबकि एफिड हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम इन्हें खेत में छोड़ेंगे, ये पूरे खेत में फैलकर वहां अपना घर बसाएंगे और प्रजनन द्वारा उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो उन कीटों को खाते रहेंगे जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट ही उनका भोजन है। रेनबोग और अन्य वैज्ञानिक जैविक खेती द्वारा उगाए गए पौधों पर प्रयोग करने लगे। उन्होंने अपना ज्यादातर ध्यान अल्फाल्फा पर केंद्रित किया। कटाई के बाद रेनबोग ने पौधों को सुखाया और उनके पोषक संघटकों का अध्ययन शुरू किया और इस अध्ययन में बिल्कुल नए कंपाउंड यानी यौगिक सामने आए। रेनबोग ने इन्हें सहयोगी आहार घटक नाम दिया। मेरे पिताजी ने चिकित्सा क्षेत्र के शोधकर्ताओं को पौधों के इन सहयोगी घटकों के बारे में बताया। उनकी बात पर हंसते हुए शोधकर्ताओं ने कहा कि इन घटकों की पोषण की नजर से कोई अहमियत नहीं है। पौधों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए तो कतई नहीं। रेनबोग ने एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने का काम किया। एक सिरे पर थी कमियों से होने वाली बीमारियों की जानकारी और दूसरे सिरे पर थी खेती की जानकारी। उन्होंने इन सिरों को जोड़कर आधुनिक स्वस्थ पोषण ज्ञान की संरचना की। अगले 20 सालों तक रेनबोग के प्रयोग चलते रहे। वो विभिन्न पौधों से पानी और रेशे हटाकर उन्हें सुखाते और उनकी टैबलेट बना लेते। रेनबोग ने विटामिन और मिनरल के साथ साथ उत्तरी अमेरिका के पहले पौधों से उत्पन्न मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल आहार पूरक विकसित किए। उनकी कोशिश थी कि इन सबको एक उत्पाद में शामिल किया जाए। ये कोई जादुई पोषक तत्व या खनिज नहीं था, बल्कि सभी तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया आहार था। रेनबोग के अलावा डॉक्टर रॉजर विलियम्स भी मनुष्यों के आहार का अध्ययन कर रहे थे। विलियम्स का मानना था कि कई अपरिचित यौगिक भी आहार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने इन विटामिन नुमा पदार्थों को नाम दिया न्यूट्रिलाइट, जो एक सीमित मात्रा में पोषण में अपना योगदान देते हैं। हालांकि विलियम्स और रेनबोग के सिद्धांतों को स्वीकार करने में दुनिया को कई साल लग गए। सन 1960 में 7 विभिन्न देशों के आहारों का अध्ययन किया गया ताकि इंसान के स्वास्थ्य पर होने वाले उनके असर को समझा जा सके। इस अध्ययन में एक आहार सबसे बढ़िया माना गया। मैंने इस अध्ययन में पाया कि क्रीट द्वीप वासियों को सबसे कम दिल की बीमारियां हो रही हैं। इनकी औसत उम्र सबसे ज्यादा थी और कैंसर की दर भी सबसे कम थी। तब मैंने ग्रीस के पारंपरिक भोजन पर गौर करने का फैसला किया।
ग्रीसवासी लगभग 4000 सालों से समुद्री और जमीनी दोनों प्रकार का भोजन करते आ रहे थे। तब मुझे लगा कि शायद इनका भोजन वैसा ही था जिसे खाकर हम सब विकसित हुए हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लोग जंगली पौधे काफी खाते हैं। डॉक्टर आर्टेमिस सिमोपिलस ने इस अध्ययन के नतीजों को भोजन के एक और आवश्यक घटक फैटी एसिड पर किए अपने एक अन्य अध्ययन से मिलाया। फैटी एसिड ऐसे संदेश वाहक हैं जो कोशिकाओं को सामान्य उपापचय की सलाह देते हैं। इन आवश्यक फैटी एसिड के दो प्रकार होते हैं और इन्हें आवश्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर इन्हें पैदा नहीं करता, ये हमें आहार द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इनके दो प्रकार हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। इन्हें ये नाम इनके रासायनिक बनावट की वजह से मिले हैं। विकास की प्रक्रिया में इन दोनों प्रकारों का संतुलन बना रहता है। आज के पश्चिमी भोजन में ओमेगा 6 हमें मक्का, सूरजमुखी और बिनौले से तैयार वनस्पति तेल में और ओमेगा 3 हमें ताजे पानी की मछलियों में मिलता है। स्वास्थ्य के लिए इनमें संतुलन रखना होगा। ग्रीस में इसका बेहतरीन अनुपात है लगभग 2:1 के बराबर, और जापान में क्योंकि वो मछली बहुत खाते हैं ये अनुपात 4:1 है। जापान की एक खासियत और है, ओकिनावा द्वीप पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र से कहीं ज्यादा 100 से ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं। ओकिनावा वासियों के औसत भोजन में फल, सब्जियों और साबुत अनाज के साथ हिस्से होते हैं और हफ्ते में 3 बार मछली होती है, और इसके साथ ये हर रोज 6 कप ग्रीन टी यानी जड़ी बूटी वाली चाय पीते हैं, और इसका नतीजा है स्वस्थ हृदय और कैंसर की सबसे कम दर। 70 के दशक तक पोषण विज्ञान को दुनिया में मान्यता मिल चुकी थी और अमेरिका में सरकार ने हरी पत्तियों और पौधों पर आधारित भोजन को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए थे। सन 1976 में छपी रिपोर्ट डाइट एंड द किलर डिजीजेस से पता चला कि अपने भोजन में सुधार लाने से कैंसर, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। अनुमान है कि 35% घातक बीमारियों की मुख्य वजह है हमारी आहार संबंधी आदतें, धूम्रपान, व्यायाम की कमी और कुपोषित भोजन। पोषण के विषय में की गई खोज के लिए शुरुआती शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन ये कोशिशें जारी रहीं। आज सन 2004 में भी हम पृथ्वी से पोषक तत्व ले रहे हैं, और जहां पोषण की तलाश में हमारी कोशिशें जारी हैं, वहीं विज्ञान ने साबित किया है कि स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम पोषण हमें प्रकृति ही प्रदान कर सकती है। पोषण से संबंधित एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि दुनिया के हर कोने में बसने वाले लोगों को उनके अलग अलग आहार होने के बावजूद पर्याप्त पोषण मिल जाता है। एक आदिवासी समाज मुख्य रूप से कच्चा आहार ग्रहण करता है और वो भी स्वस्थ है। ये पोषक तत्व पौधों को जीवन और बढ़ने का मौका देते हैं। जानवरों में भी ये पोषक तत्व होते हैं और उनके विकास में योगदान देते हैं। उनका गोश्त खाने पर ये तत्व मनुष्य तक भी पहुंच जाते हैं। ये परस्पर लेन देन हजारों सालों से इसी तरह चला आ रहा है। पोषण विज्ञान आज हमें बताता है कि प्राकृतिक आहार किस तरह हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने में योगदान देता है। इस ज्ञान का आधार विटामिन है जो पोषण की धुरी की तरह है। विटामिन शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करते हैं। इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से चल पाना मुश्किल होगा। ये बिन पहियों की गाड़ी चलाने जैसा होगा जो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। विटामिन शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। परिभाषा के आधार पर विटामिन एक ऐसी चीज है जिसे हम पैदा नहीं कर सकते। विटामिन पेट में वहां पहुंचते हैं जहां एसिड द्वारा भोजन को तोड़कर टुकड़े किए जाते हैं। फिर आंतों में एक विस्तृत प्रक्रिया से भोजन को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जाता है और फिर आंतों की दीवारें इसे सोख लेती हैं। इसके बाद रक्त धारा विशेष प्रोटीनों, विटामिनों और खनिजों को कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। आज 21वीं सदी के इस मोड़ पर आधुनिक समाज का पूरा दमखम तकनीक पर आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था मशीनों पर टिकी है, कंप्यूटर संपर्क का साधन है और मोटर गाड़ियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये प्रगति हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल रही है। आज हमारा हिलना डुलना बंद हो चुका है, हम उतना पैदल नहीं चलते।
हमने शरीर की हलचल कम कर दी है और अब हम मशीनी उपकरणों और मोटर गाड़ियों के हवाले हो चुके हैं। विकसित होने की इस लगातार चलती प्रक्रिया में मनुष्य प्रदूषण का सामना पहली बार कर रहा है। प्रदूषण का ये खतरा अभी कुछ सौ साल पुराना ही है, फिर भी उसकी ये चुनौती बढ़ती ही जाने वाली है। प्रदूषण, कीटनाशक और मानसिक दबाव जैसी आधुनिक पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हमारे शरीर के हर ऊतक पर हमला करती हैं और साथ ही हमारे शरीर को फ्री रेडिकल कहलाने वाले नए दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसका एक घटक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रासायनिक आधार पर ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं, यहाँ तक कि डीएनए को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसके विघटन से शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। ये रेडिकल शरीर के दूसरे अणुओं पर हमला करते हैं जिससे उनकी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। अगर आप बच्चों के एक समूह को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ शांत बैठे हैं, और वहीं कुछ बच्चे इतने चपल और चंचल हैं कि माता पिता के काबू में भी नहीं आते। ये सब फ्री रेडिकल के कारण होता है। फ्री रेडिकल से निपटने के लिए वैज्ञानिक पुनः पौधों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कई यौगिक खोज डाले हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं। इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं जो फ्री रेडिकल का सामना कोशिकाओं के स्तर पर करते हैं। हमें फ्री रेडिकल को शांत करके काबू में करने की जरूरत है और एंटीऑक्सीडेंट यही करते हैं। वो फ्री रेडिकल को इतना शांत कर देते हैं कि उनकी नुकसान करने की क्षमता खत्म हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन सी और विटामिन ई में पाए जाते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता। ये हमें कुछ विशेष पौधों में मिल सकते हैं। नींबू वंश के फल, लाल मिर्च और ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट से भरे हैं। एसरोला चेरी और कैकेडू प्लम, इनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक है, और विटामिन ई से भरे आहार जैसे मूंगफली, बादाम और बीज फ्री रेडिकल के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे ही और भी ढेर सारे पौधे हैं जो आधुनिक जीवन के साथ उत्पन्न होने वाले नए खतरों से लड़ने में मदद कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? केवल इतना ध्यान देना होगा कि हमारे आहार में पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट हो जो प्रदूषण और ऑक्सीजन रेडिकल के प्रकोप से हमारी रक्षा कर सकें। ऑक्सीजन रेडिकल से बुढ़ापा जल्दी आता है और ये शरीर में कई जगह सूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें और एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। जबकि एंटीऑक्सीडेंट शरीर के फ्री रेडिकल का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं सहयोगी आहार घटक के एक अन्य समूह की पौष्टिक संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। पिछले 10 या कुछ अधिक वर्षों से भोजन के अन्य घटकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फाइटोकेमिकल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जा रहे ये यौगिक पौधों को स्वस्थ रखते हैं। इनसे उम्मीद है कि ये हम इंसानों को भी स्वस्थ रखेंगे। ये फाइटोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, खासकर शरीर के उन हिस्सों को जिन पर ऑक्सीडेटिंग एजेंटों का हमला हो सकता है। इन हिस्सों को सुरक्षा की सख्त जरूरत होती है। शुरुआती प्रयोग उत्साहजनक रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पालक में मौजूद ल्यूटीन और टमाटर में मौजूद लाइकोपीन कुछ खास प्रकार के कैंसर से बचाव कर सकते हैं, और हरी चाय में मौजूद कैटेचिन हृदय स्वस्थ रखता है। हालांकि शोध अभी शुरुआती दौर पर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पौधों में पाए जाने वाले हजारों फाइटोकेमिकल की पहचान कर ली है। फाइटोकेमिकल का भविष्य ही हमारे आहार का भविष्य है, क्योंकि अब हमें काफी हद तक ये मालूम है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन क्या करते हैं। हालांकि अभी हमें फाइटोकेमिकल के अन्य प्रभावों की जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कई बीमारियों की रोकथाम में इनकी अहम भूमिका होती है। आज विश्व की अग्रणी स्वास्थ्य संस्थाएं दिन में 5 बार फल और सब्जियां खाने की सलाह देती हैं, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑन कैंसर रिसर्च का कहना है कि आहार में फल और सब्जियों का होना कई प्रकार के कैंसर की संभावनाओं को कम करता है। आज फास्ट फूड के युग में आवश्यक पोषक तत्वों का भोजन में शामिल होना एक बड़ी चुनौती है। बाजार में मिलने वाला पका पकाया भोजन और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उगाए सब्जियां और फल,
आप स्वास्थ्य के प्रति कितने भी सजग हों, लेकिन चुनाव तो इन्हीं में से करना है। रोज आने वाली नई नई चीजों का असर हमारे बच्चों पर देखा जा सकता है। हम नौजवानों में भी टाइप 2 मधुमेह देख रहे हैं और इसमें पोषण की कमी एक बड़ा कारण है। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने भोजन और व्यायाम की जरूरत के प्रति सजग हो रहे हैं, पोषण विशेषज्ञ नए नए आहारों की इस भूख को पूरा करने में लगे हैं और इसी का नतीजा है कि अब एक पूरा उद्योग ही जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति में लग गया है। आज हमारे पास कई तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जैसे फल, सब्जियां और गोश्त इत्यादि। इन्हें मिला जुला कर ऐसा पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन इसके अलावा अब हमारे पास और भी जानकारी है। अब हम जानते हैं कि हमारे लिए कौन से पौष्टिक तत्व जरूरी हैं और हम इन तत्वों को टैबलेट और कैप्सूलों में बंद करके लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उन्हें पूरा पोषण मिल सके। अगर हम इन पूरक कैप्सूलों की पूरी श्रृंखला का सेवन करें तो हम अपने शरीर की सभी जरूरी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। 2000 सालों के पोषण संबंधी अनुभवों को मिलाकर गोलियों और कैप्सूलों के रूप में दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जा रहा है। विटामिन और खनिजों की अतिरिक्त खुराक का बाजार सालाना $60 अरब से भी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने आहार में परिवर्तन लाते हैं या फिर सही मात्रा में चुनिंदा पौष्टिक तत्वों के टैबलेट लेते हैं, वो हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पोषण की पूर्ति करने वाले तत्वों की संरचना अलग अलग होती है। कृत्रिम पोषक तत्व किसी खास विटामिन के होते हैं, जबकि प्राकृतिक पोषक तत्वों में विटामिन, खनिज और फाइटोन्यूट्रिएंट सभी का मिश्रण होता है। ये दोनों प्रकार अभी कैप्सूल और गोलियों के रूप में मिलते हैं, लेकिन इन्हें बदलने की कोशिशें जारी हैं। कुछ लोगों की फल और सब्जियां खाने में रुचि नहीं है और कुछ लोग इन विटामिनों को अतिरिक्त पूरक तत्वों के रूप में लेना पसंद करते हैं। शायद सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन खास बात ये है कि ये पौष्टिक आहार और उपयुक्त रूप से लिए जा रहे अतिरिक्त पूरक पोषक तत्वों का प्रतीक है। आखिर ये फलों और सब्जियों के गुणों का निचोड़ ही तो होते हैं। हालांकि इन पूरक पोषक तत्वों से सभी को लाभ होता है, लेकिन कुछ को जरा ज्यादा होता है। अगर आप शाकाहारी हैं और मछली नहीं खाते तो आपको पूरक पोषण चाहिए। आपके शरीर को मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे आप मछली खाएं या फिर अलग से पूरक के रूप में लें। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यही तरीका बेहतर है। अगर आपकी नजर कैलोरी पर है तो पोषक तत्वों में कमी होगी। पूरक पोषक तत्व लेकर डाइटिंग करते हुए भी विटामिन और खनिज का स्तर बरकरार रखा जा सकता है। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो शरीर में कैलोरी की मात्रा भी बढ़ेगी और वजन भी बढ़ेगा। ऐसे में अतिरिक्त पूरक तत्व लिए जा सकते हैं जिनमें भोजन के लाभदायक गुण भरे होते हैं। इससे भोजन से मिलने वाली अतिरिक्त कैलोरी और उससे होने वाले मोटापे से बचा जा सकता है। इस सुविधा का लाभ बूढ़े लोग भी ले सकते हैं। बुढ़ापे में पोषक तत्वों की कमी अक्सर होती है, लेकिन इन्हें खाकर ये कमी पूरी की जा सकती है। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कुछ ही साल पहले बुजुर्गों के लिए पिरामिड के रूप में एक आहार तालिका तैयार की थी। ये नया पिरामिड पहले के सुझाए गए आहारों में कुछ बदलाव लाता है, पर फिर भी इसके ऊपर एक झंडी लगी है जो उन्हें अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की खुराक लेने की याद दिलाती है। इस भागती दौड़ती दुनिया में पोषक टिकियां भी लोकप्रिय हो रही हैं। अरबों रुपए के इस उद्योग ने समय के साथ भागने वालों के लिए भी पोषक तत्व मुहैया कराए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि इन पूरक पोषक तत्वों के साथ ही स्वस्थ आहार लेना भी जरूरी है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये पौष्टिक तत्व कितने भी अच्छे क्यों ना हों, ये एक बीमा पॉलिसी की तरह ही रहेंगे। ये जरूरी है कि इनके साथ स्वस्थ भोजन लिया जाए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए।
इन पूरक पोषक तत्वों का एक और लाभ इनका आसानी से मिलना है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का पसंदीदा कैकाडू प्लम इसका आदर्श उदाहरण है कि कैसे दुनिया के कोने में पाया जाने वाला आहार अब दुनिया भर में उपलब्ध है। कैकाडू प्लम केवल ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में ही उगता है, इसलिए हमें इस फल को और इसमें मौजूद विटामिन सी को सहेज कर रखने का तरीका खोजना होगा। इसे अतिरिक्त पूरक तत्वों में परिवर्तित करना सबसे कारगर तरीका होगा। पोषक तत्वों का बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस मांग को पूरा करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने की चुनौती है। पोषण की तलाश में तकनीक मददगार भी रही है और रुकावट भी बनी है। एक तरफ तो उसने भोजन के विभिन्न घटक और शरीर पर उनके असर को समझने में मदद की, तो दूसरी तरफ स्वस्थ जीवन से दूर ले जाने में भी तकनीक का ही हाथ रहा है। आज वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीक की मदद से हमें प्रकृति के नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक डेविड ब्रोमे और डॉन पुसेटेरी ऑस्ट्रेलिया में कैकाडू प्लम परीक्षण स्थल की ओर जा रहे हैं। वहाँ कुछ कंगारू हैं। हाँ, वो रहे कंगारू, वो यहाँ चरते हैं। यहाँ एक बड़े क्षेत्र में इन्होंने कैकाडू प्लम की जैविक खेती शुरू की है। यहाँ विभिन्न आकार के हजारों कैकाडू प्लम के पेड़ हैं। इन्होंने 5 वर्षों तक इन पेड़ों की सेवा की है, इस उम्मीद में कि ये फल दुनिया भर में प्लम की मांग को पूरा करेंगे। इनका उद्देश्य इन फाइटो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर प्लम को पूरक पोषक तत्व में परिवर्तित करना है। ये एक दिलचस्प मूड है, जबकि ऐसे फल जिनकी कभी कोई कद्र नहीं थी, अचानक आज पश्चिमी देशों को इनकी जरूरत महसूस हुई है। ये एक प्राचीन फल है जिसे किसी भी प्रकार से दूषित नहीं किया गया है और न ही इसकी खेती में कृत्रिम या रासायनिक खाद का इस्तेमाल हुआ है। तो आज यहाँ हजारों साल पुराना ये फल वैसा का वैसा ही उगाया जा रहा है और अब इसका एक पूरा बाग है। यहाँ के आदिवासी कैकेडू प्लम को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद फल के रूप में देखते रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि इसमें विटामिन सी का भंडार है और इसी वजह से ये फल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें और भी कई तत्व हैं जिन्हें खोजने के प्रयास चल रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी जब भी अस्पताल किसी मरीज के पास जाते हैं तो इसे क्यों लेकर जाते हैं। इसमें कुछ तो जरूर है। इसे आमतौर पर बिलीगोट प्लम कहा जाता है, लेकिन आजकल इसे कैकेडू प्लम कहने लगे हैं। गर्मियों में या तो ये हमें नीचे गिरे हुए मिल जाते हैं या फिर हम इन्हें पेड़ से तोड़ लेते हैं। वैज्ञानिक यहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर स्वस्थ पेड़ चुन रहे हैं जिन्हें जंगल से बाग में लाया जा सके और वहाँ का संतुलन भी ना बिगड़े। हम इस पेड़ की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। अभी हम इनकी सर्वश्रेष्ठ किस्मों को चुन रहे हैं, उगाने के तरीके सीख रहे हैं। हम ऐसे पेड़ चुन रहे हैं जिन्हें अच्छी तरह उगाया जा सके और उनमें फल निकलें। इन फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, बाद में इन फलों को फैक्ट्रियों में भेज देते हैं जहां इनका सत्व निकाला जाता है। बाजार की मांग पूरी करने के लिए लाखों प्लम पैदा करने होंगे। हालांकि प्रकृति और पारंपरिक खेती के तरीके इतनी आपूर्ति नहीं होने देंगे, लेकिन सिडनी की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने इस पौधे का क्लोन तैयार करने का तरीका ढूंढ लिया है। क्लोन करने के पीछे सिर्फ एक वजह है, वो ये कि जंगल से चुने उसी उम्दा किस्म के पौधे को उगाया जा सके। जंगल से एक पौधा लेकर उसे नर्सरी में उगाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद टिश्यू कल्चर प्रक्रिया द्वारा कई पौधे तैयार किए जाएंगे, फिर उन्हें बाग में भेज दिया जाएगा। इस तरह हजारों पेड़ लगाए जा सकते हैं और लाखों प्लम पाए जा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि कैकेडू प्लम के उम्दा किस्म के और ज्यादा पेड़ उस बाग के क्षेत्र में उगाए जा सकें। जैसे ही प्रयोगशाला के इन पौधों की जड़ें निकलेंगी, उन्हें वापस बाग में भेज दिया जाएगा। हमने एक चक्र पूरा कर लिया है, ये वाकई कमाल है। ये वो बिंदु है जहाँ विज्ञान और प्रकृति का मिलन होता है। हम जैसे विज्ञान और प्रकृति के बीच छलांगें लगा रहे हैं और ऐसा बार बार कर रहे हैं।
और शायद कुछ ही वर्षों में हम टिश्यू कल्चर से जन्मे इन पेड़ों के फल देख रहे होंगे और इस फल में विटामिन सी की मात्रा खूब होगी। हाँ बिल्कुल, और दुनिया के साथ हम इन्हें बांटना चाहेंगे। इस तरह के खास पौधों और जड़ी बूटियों को दुनिया भर में बांटने की कोशिशें कई जगह चल रही हैं। साइबेरिया में रोडियोला रोजेया को सदियों से स्फूर्ति देने और भूख दबाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। कॉन्गो गणराज्य में उगती है एफ्रेमोमम स्टिपुलेटम। अदरक परिवार की इस बूटी का इस्तेमाल पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। चीन में कुकुरमुत्तों का अध्ययन प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने की दवा के रूप में किया जा रहा है। शैवाल बड़े पैमाने पर उगाए जा रहे हैं ताकि बीटा कैरोटीन जैसे महत्वपूर्ण कैरोटीनॉइड प्राप्त हो सकें। इनके अलावा हजारों ऐसे पौधे हैं जिनके फायदे खोजे जाने बाकी हैं। हम दुनिया में पाए जाने वाले कुल पौधों का 0.1% हिस्सा ही खाते हैं। जाहिर है इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। जबकि वैज्ञानिक नए पौधों की तलाश में दुनिया की खाक छान रहे हैं, वहीं पोषण विज्ञान का भविष्य व्यक्ति परक होगा। जैसा कि चीन के चिकित्सक सदियों से मानते आए हैं कि हर मनुष्य अपने आप में दूसरों से एकदम अलग है, इसलिए उसका इलाज भी एकदम अलग होना चाहिए। हालांकि हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हर मनुष्य भिन्न है और मानव शरीर की पौष्टिक जरूरतें भी उस व्यक्ति की जीनों के मुताबिक दूसरों से जरा भिन्न होंगी। उन पर पर्यावरण और खान पान का भी असर होगा। इस बात की पुष्टि 2500 साल पहले हो चुकी है। हिपोक्रेटिस ने कहा था कि इंसान का स्वास्थ्य उसकी व्यक्तिगत संरचना द्वारा संचालित होता है। इसे ही तो हम अनुवांशिकी कहते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत पोषण आवश्यकताओं का समर्थन जीनोम के अध्ययन द्वारा भी हुआ है। पोषण विशेषज्ञों के हाथ आया ये नया हथियार पोषण विज्ञान को एक नए युग में पहुंचाएगा। जीनोम परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है जीनों को समझना और उनकी रचना की जानकारी वगैरह। अब हमने इंसानों को उनकी जीनों से पहचानने और समझने की शुरुआत की है। पोषण के साथ भी यही होगा। अब पोषण संबंधी जरूरतों को उस व्यक्ति की जीनों की पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कुछ विटामिन या खनिज एक आदमी के लिए जितने फायदेमंद होंगे, जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी उतने ही फायदेमंद साबित हों। पोषण व्यक्तिगत आधार पर दिया जाएगा। चीनी चिकित्सा पद्धति में हर व्यक्ति की अपनी खास विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर भोजन, व्यायाम और दवाइयां तय की जाती हैं। इसमें अनुवांशिकी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हमने ये जाना है कि हम जो खाते हैं वो हमारी जीन को संचालित करता है। इस जानकारी का पोषण के भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा और फिर व्यक्तिगत आहार, पूरक पोषक तत्वों और जीवन शैली में बदलाव द्वारा कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकेगा। निकट भविष्य में ऐसा होगा कि हम किसी बच्चे से रक्त की कुछ बूंदें लेंगे और उसके डीएनए का अध्ययन करके हम उसकी जीनों की पृष्ठभूमि के बारे में जान पाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उसे किस तरह का पौष्टिक भोजन दें जो उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभकारी हो। आज हम सब इसमें एक साथ हैं। पौष्टिक आहार और उत्तम स्वास्थ्य की खोज सदियों की तरह आज भी जारी है और विज्ञान के विकास ने हमें बताया है कि ज्यादातर जवाब हमारे आसपास प्रकृति में घुल मिलकर हमारे चारों तरफ मौजूद थे। हम जब इस दुनिया में आए तो हमारे लिए भोजन की पूरी व्यवस्था मौजूद थी, इसलिए अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमने प्रकृति को जो भी नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करें। तो 21वीं सदी में स्वस्थ रहने के क्या नुस्खे हैं? सही आहार लें जिसमें कैलोरी और पोषण की पर्याप्त मात्रा हो। भोजन के अतिरिक्त जो पोषक तत्व चाहिए वो जरूर लें। रोजाना सघन व्यायाम करें, चाहे वो कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो। मानसिक दबाव से दूर रहें। आज हम जिस दुनिया में हैं वहां दबाव बहुत ज्यादा है। इस दबाव को कम करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता से सबक लें कि किस तरह परिवार का हिस्सा बनकर आप मानसिक दबाव से दूर रह सकते हैं। सबसे अच्छा यह है कि अपने बगीचे में ताजे फल सब्जियां उगाई जाएं, चाहे वो टमाटर हों या फलियां हों।
क्योंकि वो पौष्टिक रूप से बेहतर भी होंगी और ताजी भी। हमें ये आदिकाल के मानव की उस प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा जो उसे अपना भोजन ढूंढने में प्रेरित करती थी। ये उसी तरह होगा जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खुद सब्जियां उगाकर खाया करते थे। हिपोक्रेटिस के बाद हमने एक लंबा सफर तय किया है। आज हम ये जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हें किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। आज कई पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर आहार जरूरी है। 2000 साल पहले हिपोक्रेटिस का भी यही मानना था। जीनोम जैसी जानकारी के साथ हम प्रकृति को और बेहतर जान सकते हैं, उसी शस्य श्यामला धरती की ओर लौटते हुए जिसने अनादिकाल से हमारा पोषण किया है।